तो हेलो दोस्तों, हमारे पास आया है फ्रैंकलिन का फ़ोन। वो कह रहा है वो कोई शोरूम बिल्ड करवा रहा है, तो वो कहता है एक बार आप किधर आके देखिए, डील वील हो रही है उसकी किसी से, तो वो चेक करिए क्या हो रहा है, आखिरकार किससे बात चल रही है उसकी, क्या उसकी प्लानिंग है। तो इसलिए हम पहले जाते हैं फ्रैंकलिन के पास, और वो कह रहा है कि बल्लास को बल्लास की गैंग से रिलेटेड उसके पास कोई बहुत बड़ी जानकारी है। उसे भी हमें बल्लास की गैंग के साथ छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, उसे भी बहुत जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा आज ही के अभी। तो लीजिए दोस्तों, हमारी बात हो चुकी है फ्रैंकलिन से। वो कह रहा है ठीक है मैं घर पे ही हूँ, आप जल्दी आ जाओ। तो मैं चलता हूँ उसके पास, फ्रैंकलिन के पास जल्दी से जल्दी। तो देखते हैं क्या बात हुई है आखिरकार, क्या बात हो गई बल्लास की गैंग के साथ जो उसने इतनी जल्दी हमें जल्दी में हमें फ़ोन पर बात करी है। वो कह रहा है मैं आके सारी बात समझा दूंगा जब आप आ जाओगे तब, इसलिए हमें जल्दी चलना होगा उसके पास। क्या बात है, वो खुद का एक शोरूम भी बनवा रहा है। जब देखते हो क्या शोरूम है, क्या क्या उसकी बात चल रही है, किसी किसी डीलर के पास खड़ा हुआ है वो, उससे बात कर रहा है। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने अपना दोस्त फ्रैंकलिन गाड़ी में बैठा लिया है, मगर बात ऐसी है, शोरूम की बात हम बाद में करेंगे, मगर पहले बात तो अब बल्लास की गैंग के बारे में। उसने बताया है कि बल्लास की किसी गैंग के मेंबर ने फ्रैंकलिन और माइकल दोनों को पहचान लिया है, तो पहले हमें उसे ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जिसने हमें पहचाना है वो बल्लास की गैंग से मिलने जा रहा है, तो हमें उसे जल्दी जल्दी रोकना होगा। तो हमें पता लग चुकी है उसकी लोकेशन, वो कहाँ पर है। हम सीधा वहीं चलते हैं, अब हम डायरेक्ट वहीं चलते हैं बल्लास की गैंग के जहाँ मेंबर के पास वो मिलने वाला है। वहाँ चेक करते हैं कैसे सिक्योरिटी है, क्या हम उसे आसानी से मार सकते हैं। हमें जल्दी जल्दी उसे रोकना पड़ेगा अब, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है हमारे लिए। वो 2.3 मिलियन डॉलर उस गाड़ी की कीमत थी जो हमने उससे चुराई थी। तो जैसा कि दोस्तों लेस्ट ने अभी अभी फ़ोन करके बताया कि बल्लास की गैंग को पता लग चुका है कि मैं ही वो हूँ, मगर बल्ला के गैंग के मेन लीडर को बल्ला को नहीं पता लगा है। तो ये देखिए दोस्तों उनकी कार, ये जल्दी जल्दी हमें निकलना पड़ेगा। उसने उनने हम पे फायरिंग शुरू कर दी है, तो जल्दी जल्दी देख सकते हैं दोस्तों, हमें जल्दी जल्दी यहाँ से सेफली निकलना पड़ेगा। उन सबको पता लग चुका है और हमें चल के यहाँ से स्नाइपिंग शुरू करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख चुके हैं, हमने अपनी स्नाइपर निकाल ली और हम देख रहे हैं कि कहाँ है बल्लास की गैंग के मेंबर। हम उन्हें खत्म करना होगा जल्दी ये फ्रैंकलिन। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने अपनी स्नाइपर निकाल ली है, तो हमें बल्ला की गैंग के मेंबर को ख़त्म करना होगा। तो दोस्तों ये मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है यही वो एजेंट है जिसने सारी बातें बताई हैं, तो इसका मरना ज़रूरी है। इन दोनों को हमने मार चुके हैं, अब तो हमने निकाल लिया अपनी असॉल्ट राइफल और फ्रैंकलिन हमारे साथ है, और धीरे धीरे वो हम पे फायरिंग करने स्टार्ट कर चुके हैं। अब हमें सेफली बहुत आगे बढ़ना होगा। शायद इनने कहीं पे स्नाइपर भी लगा रखे हैं जो हम पे ऊपर से फायरिंग कर रहे हैं। हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें रुक नहीं सकते यहाँ पे, हमें बल्ला की पूरी गैंग ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि उन सबों को ही पता है, उन सबों को पता चल चुका है कि हम ही ने मारे हैं, कि बल्ला तक खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। कोई भी कांटेक्ट बल्ला को नहीं करा है, जिस कारण से तो जैसे कि दोस्तों हम सेफली यहाँ पहुंच चुके हैं। तो हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ से चलते हैं। फ्रैंकलिन डैमेज हो चुका है, फ्रैंकलिन का बहुत गोलियाँ लग चुकी है, उस पर एमओ की भी कमी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से चलते हैं।
तो चलिए दोस्तों, हमने उस सारे गैंग के मेंबर मार दिए हैं और अब टाइम है थोड़ी पार्टी करने का। तो चलिए थोड़ा पार्टी करते हैं फ्रैंकलिन के साथ, कहीं चिल करते हैं थोड़ा, क्योंकि अब हम खतरे से बाहर हैं। क्योंकि बल्ला की गैंग के हमने वो गैंग के मेंबर सारे मार दिए हैं जिन्हें पता था कि हमने उसकी यूनिक वो गाड़ी चुराई है, जो बल्ला कहीं शायद दूसरी स्टेट से लेके आया था, खुद भी वो भी चुरा के ही लाया था, मगर वही बात है। तो चलिए थोड़ा यहाँ इंजॉय करा जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत हैंग ओवर में इन्हें अपनी पार्टी को ज्यादा इंजॉय कर लिया। तो चलिए फ्रैंकलिन को उसके घर छोड़ते हैं जल्दी जल्दी। गाड़ी भी सही नहीं चल रही है। गाड़ी भी बिल्कुल सही नहीं चल रही क्योंकि माइकल ने भी ड्रिंक कर रखी है। मैं चलिए कोई बात नहीं, हमें बस सेफली फ्रैंकलिन को यहाँ तक छोड़ना है। तो लीजिए, हमने फ्रैंकलिन को ड्रॉप कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम भी घर चलते हैं। हम अपने तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, आज वीडियो देखी आपने और कल की वीडियो में शायद बल्लास की गैंग को अगर एक भी जिंदा बचा होगा तो बल्लास गैंग को पता लग जाए कि हमने उन्हें मारा है। तो इसलिए अब देखते हैं कल, अभी अभी थोड़ी देर में लेस्टर फ़ोन करके बताएगा कि बल्ला को पता लगा है या नहीं लगा। तो अगले एपिसोड में देखेंगे क्या बल्ला को पता लग गया इस चीज़ का या नहीं लगा। अगर लग गया होगा तो बल्ला की गैंग से गैंग वॉर हो सकता है हमारा।